हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे बायोम क्या होता है। बायोम को आपने किताबों में पढ़ा होगा, उसके कई प्रकार देखे होंगे, उसके क्षेत्र देखे होंगे। आज हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे कि बायोम क्या होता है, और फिर एक एक बायोम को लेकर हम विस्तृत रूप से उसमें चर्चा करेंगे। आखिर वो बायोम वहां बना है तो क्यों बना है, उसके पीछे के कारण क्या है, उस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियां कौन से हैं और कौन से जंतु। तो सबसे पहले हम बायोम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक एक बायोम को लेकर उस पर बात करना। बायोम, इसको हिंदी में भी बायोम ही लिखा जाता है। दरअसल बायोम से तात्पर्य है किसी विस्तृत क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र से, पारिस्थितिकी तंत्र से। जैसे जब हम इकोसिस्टम पढ़ रहे थे तो हमको क्या पता चला था कि हर क्षेत्र का क्या होता है, अपना एक इकोसिस्टम होता है। जैसे यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र, यह क्षेत्र है, सभी का क्या होता है, अपना एक इकोसिस्टम होता है। और यह इकोसिस्टम दरअसल बना कैसे होता है, इसके जैविक घटक से और अजैविक घटक से। इसको हम पर्यावरण की पहली वाली क्लासों में बहुत डिटेल में समझ गए। जैविक घटक में हमने क्या देखा था, इसमें पादप शामिल होते हैं और जंतु शामिल होते हैं। पादप सभी प्रकार के आ जाते हैं और जंतु इसमें सभी प्रकार, अर्थात जितने प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो सब क्या जाते हैं, जैविक संदर्भ में। अजैविक में क्या होता है, टेम्परेचर आ जाता है, रेन आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाता है, भूमि आ जा सकता है, कोई जो भी उस क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, उस इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है, जो जैविक समुदाय से अलग है उसमें शामिल है। और जैविक और अजैविक समुदाय को मिलाकर जो क्षेत्र विशेष का एक पर्यावरण बना था, जो एक क्रियाशील हमने इकाई देखी थी, वह क्या था, इकोसिस्टम था। इकोसिस्टम का ही दरअसल विस्तृत रूप क्या है, बायोम। और बायोम का विस्तृत रूप ही बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अर्थात दरअसल बायोम क्या है, बायोस्फीयर की एक सूक्ष्म इकाई है। इकोसिस्टम क्या है, बायोम की एक सूक्ष्म इकाई है। और ये सूक्ष्म इकाइयों में डिवाइडेशन इसलिए किया गया है ताकि हम क्या कर सकें, किसी क्षेत्र विशेष का, किसी क्षेत्र प्रदेश का अध्ययन आसानी से कर सके। अध्ययन करने से तात्पर्य यह है कि हम समझ सके किसी क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, वहां की कौन सी प्रजातियां किस प्रकार की हैं, उनको जान सके, वहां जो भी दिक्कतें हैं उनका संरक्षण कर सके। इसलिए अगर आप देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि इकोसिस्टम सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, उसके बाद क्या आता है, बायोम आता है, और बायोम की विस्तृत इकाई क्या कहलाती है, बायोस्फीयर कहलाती है। अर्थात यह क्या है, एक जैविक मंडल है जहां पर हम देखते हैं कि पादप और जंतु कैसे। अब जब हमने बायोम को समझ लिया, फिर प्रश्न नहीं आएगा आखिर बायोम का महत्व क्या है। तो जैसे आप भारत को ले लीजिए, तो भारत में ही अगर आप देखें तो यहाँ की एक विशेष जलवायु है, और इस विशेष जलवायु के कारण क्या है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां विकसित होती है, अलग प्रकार के जंतु विकसित। कुछ पादप और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कहीं अन्य नहीं मिलते, इसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ की जलवायु। अर्थात जैसे जैसे जलवायु बदलती है वैसे वैसे बायोम बदलता है, और बायोम बदलने से तात्पर्य है कि पादप और जंतु, प्लांट्स और एनिमल्स भी बदलते चले जाते हैं। और यह जो बदलता हुआ क्रम है, दरअसल अगर हम बायोम को जान लेते हैं, प्रमुख बायोम को जान लेते हैं, तो हम पूरे विश्व में किस स्थान पर किस प्रकार की प्रजातियां, चाहे वो प्लांट्स के हो, एनिमल्स के हो, किस प्रकार की मिलती हम जान लेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जान लेंगे कि पूरे पृथ्वी पर कितनी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी है, और उस बायोडायवर्सिटी की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति से तात्पर्य है कि वहां पर समस्याएं, चुनौतियां क्या है, और उनके समाधान कैसे किया जा सकता है। आखिर जो समस्याएं आ रही हैं उनके पीछे के कारण क्या है, इसको हम इसमें बायोम के चैप्टर में अध्ययन करते हैं।
तो अब आपने बायोम को देख लिया है कि बायोम क्या होता है सर। इसको हम अगर परिभाषित करने का प्रयास करें तो बायोम से क्या है, एक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स का समूह जो किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र पर बटा हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो क्या है कि सभी बायोम क्या है, इकोसिस्टम है, लेकिन सभी इकोसिस्टम बायोम नहीं होते, क्योंकि बायोम क्या है, एक विस्तृत संकल्पना है, एक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाने वाला संकल्पना है, और इकोसिस्टम क्या है, छोटा। यह किसी नदी तालाब कुआं पार्क का हो सकता है, लेकिन बायोम क्या होगा, हमेशा विस्तृत क्षेत्र पर पाया जाए। जब आपने इसको समझ लिया है तो अब ये देखिए कि बायोम कितने प्रकार के होते हैं और यह किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विषुवत रेखीय बायोम। विषुवत रेखीय बायोम, इसको सदाबहार बायोम के नाम से भी जाना जाता, इसको अनुकूल बायोम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये आएगा इसके इतने नाम क्यों है और ऐसी कंडीशन क्या होती है। दरअसल इसका विस्तार जो होता है वह होता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच, और यह जो क्षेत्र है आपको पता चलेगा, हम देख ही चुके हैं यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर जब ज्यादा है तो अगर वहां पे जल का विस्तार है तो उससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन अर्थात रेन भी ज्यादा होगा, वर्षा भी ज्यादा होगी, और यही सब चीजें दोनों चीजें मिलकर तो क्या कर रही थी, हमने देखा था बायोडायवर्सिटी को बढ़ा रही थी। अर्थात टेम्परेचर यहां पर हमेशा, यहाँ का औसत जो साल भर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वर्षा क्या है, हमेशा 200 सेंटीमीटर औसत जो है इसका, 200 सेंटीमीटर से औसत वर्षा ज्यादा प्राप्त होती है। हमने इस क्षेत्र की विशेषता को भी देख लिया है कि जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की होती है, अर्थात दोपहर के बाद अचानक तड़ी झंडा के साथ वर्षा होती है और फिर समाप्त हो जाती, लेकिन वर्षा क्या होती है, डेली होती। अब टेम्परेचर और रेन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर वनस्पतियों के विकसित होने के लिए अनुकूल कंडीशन हो जाती है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, अनुकूल बायोम बोला जाता है। सदाबहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, वर्षा हमेशा हो रहा है, और वर्षा होने के हमेशा होने की वजह से क्या हो रहा है कि बायोडायवर्सिटी हमेशा ग्रीनरी रहती है, अर्थात हरी रहती है। यहां पर कोई ऐसा समय नहीं आता जब पत्तियां पेड़ गिरा दें, अर्थात जैसे मानसूनी क्षेत्र में एक ऐसा समय आता है कि मानसून बदलने के साथ ही क्या होता है कि यहाँ के जो वन है अपने पत्तियां गिरा देते हैं, ऐसी कंडीशन इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती, इसीलिए क्या बोला जाता है इधर, इसको सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। यह जो पूरा क्षेत्र है आप इसको देख रहे हैं तो इसमें क्या पता चल रहा है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर और रेन की भूमिका है। यह जो विस्तृत रेखीय सदाबहार वन बायोम क्षेत्र है, यह है तो पृथ्वी के 13% भाग पर विस्तृत, लेकिन यहां प्राथमिक उत्पादकता को हम लास्ट पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं कि प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, जो पौधे क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, जो जो रासायनिक पदार्थ प्राप्त हो रहा है, उसको हमने प्राथमिक उत्पादकता अर्थात प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा था। जो प्राथमिक उत्पादकता यहाँ पे क्या है, 40% से ज्यादा, और है कितने विस्तृत है, 13% है, 13% पर ही विस्तृत है, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक उत्पादकता ज्यादा है। प्राथमिक उत्पादकता इतनी ज्यादा है इससे यह पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, यह वन बायोम है। वन बायोम से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर वनों की सघनता क्या है, बहुत ज्यादा है, इसी कारण क्या है, यहाँ पर सबसे प्राथमिक उत्पादकता कम क्षेत्र पर विस्तृत होने के कारण भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी का 8% वन प्राप्त होता है, और 8% वन ही क्या कर रहा है, 40% प्राथमिक उत्पादकता के लिए उत्तरदायी,
और जो 8% वन है, इतना ज्यादा सघन है, इस पर निर्भर वन से ताप पर हम इसमें वन को ले रहे हैं जिनकी ऊंचाई ज्यादा है। हम वनस्पति नहीं कहे कि 8% वनस्पति पाई जाती, हम ये कह रहे हैं वन, वन से ताप पर है जिनकी ऊंचाई ज्यादा होती है, जो ऊंचे वृक्ष होते हैं। 8% यह वन है और यह वन क्या कर रहे हैं, 40% उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है और ये है क्या 13% भाग पर विस्तृत हुआ। यहाँ पर क्या है कि वन तो है 8%, लेकिन यहाँ पर जंतुओं की विविधता बहुत ज्यादा है, अर्थात एनिमल्स की क्या है डायवर्सिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। एक डायवर्सिटी इतनी बढ़ जाती है कि 13% भाग पर ही जो है 50% से अधिक एनिमल्स के स्पीसीज आपको देखने मिल जाएंगे। अर्थात जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम जो है कि 13% पर है, इसी पर आपको विश्व की 50% से ज्यादा एनिमल स्पीसीज देखने को मिल सकते हैं। अर्थात अगर कहीं आपको जाने का समय नहीं मिले और आपको लगता है कि हमको अधिकांश स्पीशीज देख लेनी है, तो आपको कहां जाना होगा, विश्व तरीके क्षेत्र की तरफ चले जाना होगा। वहां पे क्या होगा, आपको सभी तरह के जंतु अधिकांशतर एक ही जगह पर मिल जाए। फिर प्रश्न आपका आएगा इसका उदाहरण क्या है, विस्तार कहां, क्षेत्र कौन सा। जैसे आपने सुना होगा अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन क्या है, अमेजन नदी है, उस क्षेत्र की जो जलवायु वहां पर जो वनस्पति विकसित हुई है अमेजन बेसिन के नाम से जाना। ऐसे ही कांगो बेसिन, कांगो बेसिन कहां पड़ता, अफ्रीका। ऐसे ही इंडोनेशिया और मलेशिया क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है और उस जलवायु के वजह से जिस प्रकार की बायोडायवर्सिटी बायोम का विकास हुआ है, वह किसका उदाहरण है, विषुवत रेखीय वन बायोम का उदाहरण। यहां पर जब आपने देख लिया, फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि वनस्पति कौन सी। यहां पर वनस्पतियां जो है आयरन वुड, रोज वुड, महोगनी, एबनी, सिंपोना, रबर, नारियल, यह क्या है इस क्षेत्र में मिलने वाली कुछ वनस्पतियों के उदाहरण जो कि यहां की विशेषता को बताते हैं। इसके साथ आपको तो प्रश्न आएगा कि आप जंतु यहां पे कौन कौन से मिल सकते हैं, तो जंतुओं में यहां पे क्या मिलेंगे, आपको सांप की बहुत सी प्रजातियां मिलेंगी। जैसे जो आपने एनाकोंडा सांप सुना होगा वे यहीं पर मिल जाएगा, आपको घड़ियाल यहां पर मिल जाएंगे, आपको क्या हुआ तेंदुआ यहां मिल जाएगा, आपको हाथी जैसे जंतु घर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी सर्वाधिक विविधता अर्थात प्रजातियां इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। अर्थात आप यह समझ पा रहे होंगे कि यहां पे वनस्पति और जंतु भी आता। अब ये वनस्पतियां हैं इसकी भी कई लेयर पाई जाती हैं, जिसको लेयर को बोलते हैं वितान। जैसे मान लीजिए यह क्षेत्र है, कोई वनस्पति है, एक ऊंचा हो सकता है, कोई उससे छोटा हो सकता है, कोई उससे छोटा, यह जो क्या होता है इसमें कई छोटे छोटे क्रम पाए जाते हैं, वितान बोलते हैं इसको, लेयर बोलते हैं। ये से तात्पर्य है कि यहां पे क्या है कि वनस्पतियां विकास करती हैं, विकास के क्रम में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए हर वनस्पति ऊपर की ओर जाने का प्रयास करती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाती है उसमें क्या होता है कि जो वृक्ष ऊंचे चले जाते हैं वह ऊंचे रहते हैं, उनको क्या होता है ज्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता रहता है, इसलिए उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होती है उनकी बढ़ जाती है। लेकिन हर वृक्ष की एक अपनी एक सीमा है, हर वृक्ष अपनी ग्रोथ उतनी नहीं बढ़ा सकता, इसके कारण क्या होता है यहाँ पर वितान पाए जाते हैं अर्थात लेयर पाए जाते हैं। ये जो लेयर पाए जाते हैं तो पहला जो लेयर होता है वो 30 से 60 मीटर तक के वृक्ष का होता है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो 25 से 30 मीटर तक का होता है, फिर तीसरा जो होता है वो 15 से 20 मीटर तक का वृक्ष। यह जो तीनों लेयर हैं, यह क्या है वन लेयर माने जाते हैं अर्थात वृक्ष के लेयर। इसके बाद क्या होता है 5 मीटर तक की छोटी झाड़ियों का लेयर आता है
और उसके बाद क्या होता है, शाकीय पौधे आते हैं जिनकी ऊंचाई या लंबाई क्या होती है, सबसे कम होती है। अर्थात अगर आप वितान के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज्यादा वितान जिस बायोम में मिलते हैं वो कौन सा है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाला बायोम क्षेत्र। अब आपने ये देखिए, हम वितान मिलते हैं और यहाँ पर क्या होता है, वनस्पतियां भी ज्यादा मिलती हैं और इसकी सघनता ज्यादा होने के कारण यह है कि यहाँ पर वृक्ष भी पर सभी प्रकार के मिल रहे हैं। जहां वृक्षों का विकास नहीं हो रहा, झाड़ियों का हो जा रहा है, जहां झाड़ियां भी विकसित नहीं, वहां शाकीय पौधे हो जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कोई क्षेत्र आपको क्या होगा, खाली देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात वनस्पति, वनस्पति में वृक्ष झाड़ियां साथ सभी आ जाते हैं। वनस्पति की क्या है, यहाँ सघनता ज्यादा है और यह जो सघनता है एक कारण से और बढ़ जाती है। यहां पर क्या मिलता है आपको, इस पर निर्भर जो है लताएं देखने को मिलती हैं। लताएं से तात्पर्य यह है कि जैसे आपने वृक्ष देखा होगा, वृक्ष से कुछ पतले पतले धागे से आकार के, रस्सी टाइप के आकार के कुछ तने निकल के आते हैं नीचे तरफ से, उनको लताएं बोलते हैं। और ये लताएं क्या होते हैं, दरअसल दो प्रकार की हैं। एक तो वह लताएं होती हैं जो भूमि से ऊपर की ओर वृक्षों के ऊपर चढ़ती, दूसरा ऐसे होते हैं जो वृक्षों के तनों से क्या है, नीचे की ओर आते हैं। जैसे अमरबेल आपने नाम सुना होगा, यह क्या होता है, एक लता का प्रकार है। ये लताएं क्या होती हैं, दरअसल पौधों के सहारे ऊपर और नीचे की ओर, और यहाँ पर क्या होती है, दोनों लताएं मिलने देखने को मिलती हैं। एक तो क्या होती है, भूमि से जो ऊपर आती है, और जो दूसरी होती है तनों से निकल कर वो क्या आती है, भूमि की ओर आती है। और इन दोनों की वजह से क्या होता है, लताओं वनस्पतियों की सघनता की वजह से क्या होता है, यहाँ की सघनता बढ़ जाती है। और यही सघनता क्या करती है, इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण में भी जानी जाती है। पिछड़ेपन का कारण से तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र में आप कोई भी मानवीय गतिविधि जैसे ही करने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए आपने इस क्षेत्र में कोई आर्थिक गतिविधि प्रारंभ की, यहाँ के वृक्षों को जैसे ही आप काटेंगे, आप यहाँ से काट के यहाँ आएंगे, तब तक क्या होगा, यहाँ पर पुरान वनस्पतियां विकसित हो जाएंगी। इसका कारण यह है कि यहाँ पर वनस्पतियों की सघनता ज्यादा है। दूसरा, काटेंगे तो तब जब आपको इसका आर्थिक मूल्य प्राप्त हो सके। एक ही प्रकार के जब वृक्ष होते हैं तो आप उनको काटते हुए चले जाते हैं और उसको आप बेचकर आप लाभ कमा लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई दूसरी, एक ही क्षेत्र में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी कि वनों की कटाई क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। और इन्हीं सघनता की वजह से क्या होता है कि वनों की सघनता, लताओं की सघनता क्या करती है, यहाँ पर निर्भर जंतुओं की संख्या बढ़ा देती है। अर्थात यहाँ पर जंतुओं की संख्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर वनस्पति की सघनता ज्यादा है, और वनस्पति की सघनता ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इस पे जंतु अधिक निर्भर रह सकते हैं। इस कारण क्या होता है, बायोडायवर्सिटी इस क्षेत्र की बढ़ जाती है। अब जब जंतु अधिक हैं और पादप भी अधिक हैं, तो इसी कारण क्या रहता है, आपको इस क्षेत्र में 24 घंटे चहल पहल दिखाई देगी। चहल पहल से तात्पर्य है, आपको ऐसा नहीं देखा, आपने बहुत से क्षेत्र देखे होंगे, जंगली क्षेत्र जहां पर सघनता कम होती है, जंतु कम होते हैं, उधर अगर आप जाइए तो दिन में आपको लगेगा कि कुछ शोर टाइप का हो रहा है और रात में हो सकता है लगे कि कुछ शांत हो, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रकार की आवाज हमेशा दिखाई देगी। इसके पीछे कारण क्या है कि वहां पर जो निर्भर जंतु हैं प्रत्येक प्रकार के हैं, और रात्रि के समय भी यह बायोम क्या होता है, शीत कंडीशन में नहीं जाता, निद्रा की कंडीशन में नहीं होते, इस पर निर्भर जो जंतु है इनकी गतिविधियां हमेशा चलती रहती। दूसरा, यहाँ पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा होने के कारण ही क्या होता है, यहाँ के जंतु कभी भी ऋतु प्रवास नहीं करते। ऋतु प्रवास नहीं करने से तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र के जो भी जीव हैं वो क्या करते रहते हैं, हमेशा यही रहते हैं। जैसे मानसूनी क्षेत्र में आप देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे, तो यहाँ के जंतु क्या करते हैं, जैसे जैसे मौसम बदलता है उसी हिसाब से क्या होती है, वहां घास का क्षेत्र उस पर निर्भर जीव अपने आप को एक स्थान से दूसरे को क्यों प्रवास करते हैं, प्रवास कर जाते हैं, अर्थात माइग्रेशन कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, साल भर की कंडीशन रहती है, तो यहाँ के जीवों को माइग्रेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
फिर आपको लग रहा होगा कि आखिर अब इस क्षेत्र में जब सघनता इतनी ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। दिक्कत से होने का मतलब यह कि इस बायोम में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। क्या हो रहा है वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ रही, और जनसंख्या जो बढ़ रही है इसके लिए क्या होगा कि वृक्षों की वनस्पतियों की आवश्यकता है। आप जो भी घरेलू काम करते हैं उसमें क्या है वृक्षों की जरूरत आपको पड़ रही है। पहले क्या हुआ था कि पहले जो कोणधारी वन है, शीतोष्णकटिबंधीय वन है, उन वनों की कटाई की गई। उन वनों की कटाई इसलिए पहले की गई क्योंकि वहां पर एक प्रकार के वन आसानी से मिल जा रहे थे, कटाई कर ले रहे थे, उनका आर्थिक महत्व था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था यहाँ पर एक प्रकार के वृक्ष नहीं मिलने की वजह से कटाई नहीं बढ़ रही थी, आर्थिक मूल्य उसका क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था इसके। लेकिन वर्तमान समय में जब और कहीं वन नहीं बचे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है वृक्षों की कटाई हो रही, और इस कटाई की वजह से क्या हो रहा है इस क्षेत्र में समस्या हो रही। दूसरा, इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि बागानी कृषि अब तेजी से विस्तार कर रही, अर्थात जनसंख्या के लिए अब क्या चाहिए, भोजन चाहिए, खाद्य आवश्यकताएं पूरी करनी है। इन खाद्य आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए क्या कर रहे हैं कि बागानी कृषि का विस्तार किया जा रहा है, और जब बागानी कृषि का विस्तार किया जा रहा है तो किस पे किया जाएगा, इसी क्षेत्र में किया जाएगा। अर्थात वर्तमान समय में जिस जैव विविधता को सर्वाधिक हानियों का सामना करना पड़ रहा है उसमें से यह क्षेत्र शामिल है, और जबकि इसी का जो है कि प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा है और इसी का महत्व भी सबसे ज्यादा है। यह कहा जाता है कि अगर विश्व से इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को खत्म कर दिया जाए तो आने वाले भविष्य में पूरे पृथ्वी का इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह जो 13% क्षेत्र में फैला हुआ बायोम है यह विश्व के सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में भी काम करता है। पौधों के जैसे ही जितनी ही अधिक प्रजातियां होंगी कार्बन का अवशोषण उतना ही ज्यादा होगा, और जैसे जैसे उनके कम होता जाएगा उनका अनुपात, कार्बन सिंक का अनुपात भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए वर्तमान समय में क्या है इस क्षेत्र की समस्याओं में यह प्रमुख समस्या। फिर यह है प्रश्न आपके सामने आएगा कि आखिर इसका फिर समाधान क्या है। इसके समाधान को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट और इकोसिस्टम में लेकर क्या समन्वय किया जाना चाहिए उस क्लास में देखने का क्या करेंगे।